Dear students, today in the lecture series of system analysis and design, in today's lecture we will study about the training methods. Previous lecture में हमने training के बारे में पढ़ा था कि जो हम जब implementation करते हैं उसमें training का क्या role होता है. अब कुछ training methods के बारे में हम discussion करेंगे. Training methods की बात करें तो training methods दो type के होते हैं, दो concept पर based होते हैं. पहला कॉन्सेप्ट है इंस्ट्रक्शंस लेड ट्रेनिंग, यानी ऐसी ट्रेनिंग जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हों, यानी इंस्ट्रक्शन बेस्ड ट्रेनिंग जिसे कहते हैं. उस मेथड में, उस ट्रेनिंग मेथड, ट्रेनिंग में कौन कौन से मेथड आते हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम ये जानें इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग होती क्या है. इट इन्वॉल्व बोथ ट्रेनर्स एंड ट्रेनीज हु हैव टू मीट एट द सेम टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द सेम प्लेस. ठीक है, इसमें ट्रेनर और ट्रेनी दोनों इन्वॉल्व होते हैं. ट्रेनर मतलब जो ट्रेनिंग दे रहा है और ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग ले रहा है. ठीक है, जो ट्रेनिंग दे रहा है उसे हम ट्रेनर कहेंगे और जो ट्रेनिंग ले रहा है उसे हम ट्रेनी बोलेंगे. हु हैव टू मीट एट द सेम पॉइंट, इस जो इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग में होता है कि ट्रेनी और ट्रेनर एक सेम टाइम पर मिलते हैं बट नॉट नेसेसरली एट द सेम प्लेस, लेकिन ये जरूर नहीं कि एक ही जगह पर हों. मतलब एक प्लेस पर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन एक टाइम पर दोनों का मिलना ज़रूरी है. जैसे मान लीजिए आजकल जो वीडियो लेक्चर के थ्रू हम और आप डिस्कशन करते हैं, या जूम ऐप पर या गूगल मीट के ऐप पर जो क्लासेस होते हैं उसमें क्या है, सेम टाइप पर, जैसे जूम ऐप पर हो रहे हैं या गूगल मीट पर क्लास हो रहे हैं, लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, सेम टाइम पर प्रेजेंट होना तो ज़रूरी है दोनों का, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करने के लिए या क्लास लेने के लिए, बट प्लेस सेम होना कंपलसरी नहीं है. ठीक है, प्लेस ज़्यादातर डिफरेंट ही होगा. ठीक है, द ट्रेनिंग सेशन कुड बी वन ऑन वन और कोलोबरेटिव. जो ट्रेनिंग सेशन है वो वन ऑन वन यानी वन टू वन हो सकता है, यानी एक पर्सन का सिंगल पर्सन के साथ ट्रेनिंग हो, या कोलेबरेटिव यानी इकट्ठे भी होकर ये ट्रेनिंग हो सकता है, यानी एक पर्सन गाइड करे और बाकी 8, 10, 15 जो भी हैं वो से एज ए ट्रेनी उसमें इन्वॉल्व हों. इट इज़ ऑफ टू टाइप. ये जो ट्रेनिंग होती है इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग दो तरीके की होती है. पहली है वर्चुअल क्लासरूम जिसे हम कहते हैं, वर्चुअल क्लासरूम. इन दिस ट्रेनिंग ट्रेनर्स मस्ट मीट द ट्रेनी एट द सेम टाइम. इस ट्रेनिंग में जो ट्रेनर होता है वो सेम टाइम पर ट्रेनी से ज़रूर मिलता है या ज़रूर उसे मिलना चाहिए, बट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एट द सेम प्लेस, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्लेस पर दोनों लोग मिलें. एक प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है, सेम टाइम का होना ज़रूरी है वर्चुअल क्लासरूम में. इसके बारे में आपने सुना भी होगा, वर्चुअल क्लासरूम के बारे में. द प्राइमरी टूल्स यूज हेयर आर, इसमें जो प्राइमरी टूल्स यूज होते हैं वर्चुअल क्लास में, यानी जिस टूल्स का यूज करके हम ये ट्रेनिंग देते हैं, वो टूल्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेक्स्ट बेस्ड इंटरनेट रिले चैट यानी इंटरनेट चैट के माध्यम से, ठीक है, और वर्चुअल रियलिटी पैकेजेस एटसेट्रा, इनके माध्यम से हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, वर्चुअल क्लास में सेम टाइम पर दोनों का मिलना ज़रूरी है, दोनों कौन, ट्रेनर और ट्रेनी का, लेकिन सेम प्लेस कंपलसरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है. ठीक है, ये होता है वर्चुअल क्लासरूम. द सेकेंड इज़ नॉर्मल क्लासरूम. नॉर्मल क्लासरूम तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं बताता हूँ आपको. द ट्रेनर्स मस्ट मीट द ट्रेनी एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस, जहाँ पर ट्रेनर ट्रेनी से सेम टाइम मतलब एक समय पर, सेम समय पर ट्रेनी और ट्रेनर के लिए एक सा समय रहेगा और एक ही जगह रहेगी, यानी कि यहाँ टाइम भी वही सेम रहेगा और प्लेस भी सेम रहेगा. ऐसी जगह को हम नॉर्मल क्लासरूम के नाम से जानते हैं. नॉर्मल क्लासरूम की ट्रेनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं. द प्राइमरी टूल यूज आर ब्लैक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, एलसीडी प्रोजेक्टर एट्सेट्रा. जैसे कि अगर मान लीजिए फिजिकली
प्रेजेंस इस समय होती क्लास में, तो जो हम क्लास में लेक्चर्स लेते हैं वो हमारा क्या है, नॉर्मल क्लासरूम, यानी कि सेम प्लेस सेम टाइम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग। ये थी इंस्ट्रक्शन लेड ट्रेनिंग। अब दूसरा जो टाइप है ट्रेनिंग मेथड का, वो है सेल्फ पेस्ड ट्रेनिंग, यानी खुद के आधार पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना। तो इट इन्वॉल्व्स द बोथ ट्रेनर्स एंड ट्रेनी। इसमें ट्रेनर और ट्रेनी इन्वॉल्व होते हैं। कैसे, हु डू नॉट नीड टू मीट एट द सेम प्लेस और एट द सेम टाइम। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेनी और ट्रेनर हैं वो सेम प्लेस पर या सेम टाइम पर मिलें, ठीक है, या सेम टाइम पर कंसर्न करें एक दूसरे से। द ट्रेनी लर्न द स्किल्स देमसेल्फ बाई एक्सेसिंग द कोर्सेज एट देयर ओन कन्वीनियंस। इसमें क्या होता है, जो ट्रेनी होता है वो स्किल्स को सीखता है कोर्स के अकॉर्डिंग, यानी कोर्स को एक्सेस करता है अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, जो ट्रेनी है अपनी सुविधा के अनुसार, अपने टाइम कन्वीनियंस के अनुसार, जहाँ सूटेबल रहता है टाइम या प्लेस, उसके अनुसार कोर्स को एक्सेस करता है या स्किल्स को सीखता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप, दो तरह की ये भी ट्रेनिंग हमारी होती है, जैसे मल्टीमीडिया ट्रेनिंग कहते हैं पहला टाइप इसका जो है। तो इन दिस ट्रेनिंग कोर्सेज आर प्रेजेंटेड इन मल्टीमीडिया फॉर्मेट। इस ट्रेनिंग में, मल्टीमीडिया ट्रेनिंग में क्या होता है, जो भी कोर्सेज हैं, कोर्सेज मतलब जो भी मटेरियल है जिसके आधार पर ट्रेनिंग ली जाती है, ठीक है, या ट्रेनिंग में जो सिखाया जाता है, जिसके आधार पर हम स्किल्स सीखते हैं ट्रेनिंग में, वो क्या होते हैं, मल्टीमीडिया फॉर्मेट में प्रेजेंट किए जाते हैं एंड स्टोर्ड ऑन सीडी रोम, और सीडी रोम में ये कोर्स स्टोर किए जाते हैं। इट मिनिमाइजेज द कॉस्ट इन डेवलपिंग एंड इन हाउस ट्रेनिंग कोर्स विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल प्रोग्रामर। ये क्या करता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, यानी खर्चा कम होता है। कैसे, कि जो हम ट्रेनिंग इन हाउस ट्रेनिंग कोर्स को डेवलपिंग करने में जो खर्चा करते थे, विदाउट असिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल प्रो, बिना किसी असिस्टेंस के, बिना किसी एक्सटर्नल प्रोग्रामर के, हम इसको कोर्स को मल्टीमीडिया फॉर्मेट के थ्रू, के सीडी रोम के थ्रू प्रोवाइड सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बुक खरीदने जाएंगे तो उसके पीछे एक सीडी आपको लगी हुई दिखाई देगी, तो वो क्या है, वो सीडी को हम कह सकते हैं मल्टीमीडिया फॉर्मेट है उस पर्टिकुलर बुक का, तो हम डायरेक्टली उससे सीख सकते हैं, हमें किसी भी एक्सटर्नल प्रोग्रामर या असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेकेंड इज वेब बेस्ड ट्रेनिंग। वेब बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। इन दिस ट्रेनिंग कोर्सेज आर ऑफन प्रेजेंटेड इन द हाइपर मीडिया फॉर्मेट। इस ट्रेनिंग में क्या है, जो कोर्सेज हैं वो हाइपर मीडिया फॉर्मेट पर प्रेजेंट रहते हैं, यानी इंटरनेट पर प्रेजेंट रहते हैं, एंड डेवलप टू सपोर्ट इंटरनेट, और इंटरनेट को सपोर्ट करने के लिए डेवलप किए जाते हैं ऐसे कोर्स एंड इंटरनेट। ठीक है, यानी कि इंटरनेट और इंटरनेट के सपोर्ट से हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं, यानी कि डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट या इंटरनेट की हेल्प से जो भी कोर्स है उसके कंटेंट को, उसके, ठीक है, थ्योरी को, और उसे हम सीख सकते हैं। इस तरह के जो कोर्सेज होते हैं, इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है, उसे हम वेब बेस्ड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। इट प्रोवाइड्स जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग फॉर एंड यूजर। ठीक है, ये एंड यूजर के लिए जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट या इंटरनेट, यानी कि मान लीजिए यूजर कोई सिस्टम पे वर्क कर रहा है, यानी कि, और उसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, तो वो डायरेक्टली इंटरनेट पर उस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशंस जान सकता है, और उसे जस्ट इन टाइम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, या वो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर लेगा इंटरनेट के थ्रू। तो इसे हम कह सकते हैं जो ये हमारी ट्रेनिंग है वो जस्ट इन टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है एंड यूजर के लिए, एंड अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू टेलर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन को भी अलाउ करती है कि वो टेलर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट जो भी होती है उसके लिए, जो ट्रेनिंग टेलर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है उस, वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलाउ कराता है इंटरनेट। ठीक है, अब हमारा ट्रेनिंग मेथड के बाद आता है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो
यानी कि बातचीत। इट इज़ प्रोसेस टू माइग्रेटिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन। ये कन्वर्सन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ओल्ड सिस्टम को न्यू सिस्टम में माइग्रेट करते हैं, यानी कि ओल्ड सिस्टम से हम कुछ सीखते हैं और उसे हम न्यू सिस्टम में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन समझ में आया, यानी कि इट इज़ प्रोसेस ऑफ माइग्रेटिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू न्यू सिस्टम, यानी कि ओल्ड सिस्टम से न्यू सिस्टम की ओर माइग्रेट होने का जो प्रोसेस है वो कन्वर्जन कहलाता है। इट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट टीम। ये क्या करता है, ये एक अंडरस्टैंडेबल यानी कि एक समझ प्रोवाइड कराता है किसके बीच में, यस अंडरस्टैंडेबल या स्ट्रक्चर अप्रोच प्रोवाइड कराता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट टीम, जिससे कि मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट टीम के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। इसलिए जो कन्वर्जन है वो एक अंडरस्टैंडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच प्रोवाइड कराता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन जो गैप है वो हमारा ना रहे, यानी मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट टीम, यानी जो प्रोजेक्ट टीम है और जो मैनेजमेंट है वो आपस में एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये था कन्वर्जन। कल हम बात करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में। तो इम्प्लीमेंटेशन के इस पार्ट में आपने देखा ट्रेनिंग क्या होती है, तो उसमें हमने बताया था सिस्टम ऑपरेटर की ट्रेनिंग के बारे में, यूज़र ट्रेनिंग के बारे में और ट्रेनिंग गाइडलाइन के बारे में, देन ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में और कन्वर्जन के बारे में आपने पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही, कल हम सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।